हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लास पेंटिंग ऑन पीएचपी शीट। इसलिए क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके पास ग्लास नहीं है बट आप ग्लास पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप ऐसे शीट में भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये पेंटिंग कैसे करते हैं हम। आप ऐसे पीएचपी पे ड्राइंग करके पेंट करके भी उसे एज अ ग्लास फ्रेम, आप जैसे ग्लास को फ्रेम करके अपने वॉल हैंगिंग्स करते हैं, आप इसको भी वॉल हैंगिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं।
ये हमने काफ़ी हद तक बनाया है, पत्तियाँ थोड़ी और कंप्लीट करके कलरिंग करके देखिए ये आउटलाइन काफ़ी हद तक कवर किया है। तो ये हमारी पत्तियाँ तैयार हो गई हैं कलर होके। अब हम इसके ऊपर की पत्तियाँ करेंगे। ग्लास पेंटिंग की इफ़ेक्ट्स आप किसी ग्लास के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे OHP पेपर्स लेकर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इमीडिएटली आपके पास ग्लास नहीं है बट मन कर रहा है ट्राई आउट करने का, तो आप ऐसे OHP पेपर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। और यूजली ग्लास पेंटिंग्स बहुत अच्छे वॉल डेकोर बनाते हैं, बहुत अच्छे वॉल डेकोर्स बनते हैं ग्लास पेंटिंग्स के। तो मैं आपको बस एंजॉय करते हुए जो मैं एक सैम्पल दिखा पाऊँगी वही दिखा रही हूँ। तो ये हमने जो लिया है OHP शीट पे बना रहे हैं, ये बेसिकली बर्ड बेस्ड है ग्लास पेंटिंग।
तो ग्लास पेंटिंग की इफ़ेक्ट्स भी आप देखिएगा, बहुत सुंदर आते। कल हमने जो बनाया था वो हमने बॉटल्स पे बनाया था और एक स्मॉल ग्लास पे बनाया था, तो वो राउंडेड सरफेस था। तो आज हम ग्लास पेंटिंग एज अ ग्लास वॉल ग्लास लेक के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये फ्लैट सरफेस है, तो दोनों का इम्पैक्ट बहुत अलग सा आएगा। बट यस, कलर्स तो वही सेम है। तो चलिए देखते कैसे कंप्लीट कर रहे हैं इसे हम। देखिए कितना हद तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस क्रेन को कलर करेंगे। हमारी फूल और पत्तियां कलर्ड हो चुकी हैं, अब हम क्रेन को कलर कर रहे हैं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं जस्ट ब्लैक एंड वाइट एंड रेड कलर करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स देंगे तो ज़्यादा निखर कर आएगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ग्लास कलर्स यूजुअली बहुत सुंदर इम्पैक्ट देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आपको अगर ऐसे प्लेन सरफेस में आप करेंगे तो वो और भी सुंदर लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेन सरफेस में ही अच्छा लगेगा, ये आपको किसी भी सरफेस पे ये ग्लास पेंटिंग्स अच्छे लगेंगे। अगर आपको राउंडेड सरफेस में करना हो या फिर किसी भी अनयूजुअल सरफेस पे करना हो तो थोड़ा सा थिक कोशिश कीजिएगा। जब आप परचेज करते हैं ग्लास कलर्स, ग्लास पेंटिंग कलर्स, तो वो थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की होने चाहिए, बिकॉज़ अगर वो कंसिस्टेंसी बहुत थिन होगा तो आप अगर राउंड सरफेस में करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आएंगी। और इसमें एक और बात है कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप इसको ग्लास पेंटिंग कलर्स आप डायरेक्टली बॉटल से लेकर आप इसे कलर कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर कलर्स लग रहे हैं इसके, शाइन कितना सुंदर आ रहा है इसका। ये हमारा ग्लास पेंटिंग पिक्चर तैयार हो गया है। देखिए इसके कलर्स कितने सुंदर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कितना सुंदर शाइन आया है। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है हमें ग्लास पेंटिंग की, इसके शाइन बहुत सुंदर आते हैं। ये आप देखिए लाइट में करेंगे तो कितना सुंदर ग्लॉसी सा सुंदर सा लग रहा है देखने में। तो ये हमारा ग्लास पेंटिंग वॉल ग्लास पेंटिंग हमारा तैयार हो गया है। देखिए तो अगर आपको मेरी ये पेंटिंग पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और देखते रहिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और भी कुछ नया लाऊँ हर दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।